चुनौती। हमारी मांग जायज है, रात में मरना बंद करो, प्रशासन का काम रक्षा है, आपने दिखाया भी बच्चा है, हम भी आपके भाई है, लेकिन अपने मारा है। इसका जवाब सरकार के पास नहीं है, नहीं है, हमको मारो, हमको मारो, हमारी मांगे जायज है। अब हमारा हक मांगते, अब हमारा हक मांगते, अब हमारा हक मांगते, अब हमारा हक मांगते, हमारा मांग जायज है, हमारा मांग जायज है, हमारा मांग जायज है। रांची के मोरहाबादी मैदान में बापू वाटिका के सामने जिला पुलिस के अभ्यर्थी लगभग एक महीने से आंदोलनरत हैं, लेकिन शनिवार को उन पर कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन की टीम ने उन्हें जबरन उठाकर खेलगांव स्थित एक हॉल में भेज दिया। यह कार्रवाई रात 1 बजे के आसपास धूप अंधेरे में हुई, जब ठंड से ठिठुरते हुए छात्र अपने धरना स्थल पर सो रहे थे। प्रशासन की टीम ने जबरन उन्हें उठाकर बस में भरा। इसके बाद बस द्वारा उन्हें खेलगांव स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के एक हॉल में भेज दिया गया। छात्रों ने यानी अभ्यर्थियों ने इसका कड़ा विरोध किया। कुछ लोग बस के सामने लेट गए और नहीं जाने के लिए जिद करने लगे, लेकिन इसके बावजूद जिला प्रशासन की टीम नहीं मानी और इसके बाद लाठी चार्ज करने की भी नौबत आई। गाड़ी में नहीं आ रहे थे, हम गाड़ी के चक्कर नीचे सो गए, जबरदस्ती से मार करके प्रशासन के द्वारा ऐसा किया गया है। प्रशासन लाठी चार्ज के दौरान कई छात्रों को गंभीर चोटें आई हैं, जिसकी वे शिकायत कर रहे हैं। महिला लोग को जबरदस्ती खींच खींच के लाया जा रहा है, और यहाँ जो लोग पुलिस प्रशासन बोला कि नहीं तो उनको भी खींच के मारेंगे। खींच के उनको मारा गया है, उसका भी वीडियो हम लोगों के पास है। सब फाड़ फूड के अपने घर लाते हैं, हम लोग नया आंदोलन करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ कहते हैं आदमी काम काटे भी कर देंगे। हमारे साथ यह कायराना हरकत हुआ कि 1:30 बजे रात में प्रशासन द्वारा हम लोग को उठा करके लेके आया गया, जिसका कि यहाँ कहाँ पर लेकर के रखा है ये भी कोई मालूम नहीं चल रहा है, और ना बाहर से मीडिया वाले को घुसने के लिए दिया जा रहा है और ना हम लोग को बाहर जाने के लिए दिया जा रहा है। यहाँ तक कि हमारे 5 साथी अनशन पे बैठे हुए हैं 10 तारीख से, लेकिन इनका कोई सुध लेने के लिए नहीं आए, और आज अचानक 1:30 बजे रात में सबको उठा लिया गया। जो कि हम लोग अपना जायज मांग करने के लिए आए थे, और हम लोग ना कोई क्राइम किए हैं ना कुछ किए, लेकिन हम लोग को जबरदस्ती मतलब गाड़ी में लात कर जब बिठा के लाया गया, और अभी तक हम लोग को कोई ना पानी के लिए कोई पूछे हैं ना कुछ भेजे हैं, सिर्फ एक जगह लाकर हम लोग बिठा दिया गया है और चारों तरफ से गेट बंद करके प्रशासन तरफ से हम लोग घेराबंदी कर दिया गया है। अब हम लोग समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग सभी लोग क्या करने वाले हैं। जिला पुलिस अभ्यर्थियों के ठीक बगल में होमगार्ड के अभ्यर्थी भी अपनी मांग को लेकर धरनारत थे। उनमें से कई महिलाएं भी थीं जो पिछले 2 सप्ताह से मोरहाबादी के मैदान में बैठे हुए थे। उन पर भी जिला पुलिस ने कार्रवाई की, और चूंकि वे सभी लातेहार जिला के थे, रात को ही उन सभी को लातेहार बस के द्वारा भेज दिया गया। महिला पुलिस उठा करके नहीं बल्कि जेंट्स पुलिस ने हम लोग के साथ, इतना दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग के साथ सरकार से हम लोग अपना हक के लिए आए थे, लेकिन सरकार ने अपना विकास मेला मनाने के चलते अपना
इमेज बनाने के चलते सरकार हम लोग से इतना दुर्भाग्य की बात है। लेकिन जिला पुलिस के अभ्यर्थी विभिन्न जिलों से आए हैं, इसीलिए एक बस से उन्हें उनके घर पहुंचाना संभव नहीं था। इसी वजह से अभी तक उन सभी विद्यार्थियों को खेलगांव स्थित एक हॉल में रखा गया है।